हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग को, हमारे दोस्त को, बहुत से लोगों को समस्याएं ये होती हैं कि कभी कभी मैसेज करते हैं कि सर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसे लोग इंस्टॉल करते हैं या तो यूएसबी के माध्यम से या तो सीडी या डीवीडी के माध्यम से। वह बूटेबल होना चाहिए। बूटेबल होने के बाद सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट में, अगर यूएसबी से यूज कर रहे हैं तो यूएसबी को लगाएंगे, उसके बाद अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे। उसके बाद बूट मेनू का ऑप्शन दिया रहता है, जो भी आप में रहेगा F12, F9, F11, उसके बाद उसको सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। दोस्तों चलिए चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। सबसे पहले आपको बूट मेनू सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि आपको इसमें स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद जैसे इसमें दिख रहा है F9 बूट डिवाइस ऑप्शन, कीबोर्ड से आपको F9 प्रेस करना है। सारे सिस्टम में, कंपनी में, जो भी कंपनी का लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, सब में अलग अलग सेटिंग्स होती है। किसी में F11, किसी में F10, किसी में F12, किसी में डेल, किसी में ESC, तो ये आपको चूज करना होगा। अब हम क्या काम करते हैं, कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद अब आपके सामने तीन ऑप्शन दिख रहा है बूट ऑप्शन मेनू में, हार्ड ड्राइव, इंटरनल सीडी डीवीडी रोम ड्राइव। अगला ऑप्शन सैनडिस्क का है, तो मैंने यहाँ पे यूएसबी लगाया हुआ है। उसके बाद डाउन एरो से सैनडिस्क पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, ऐसे ऑप्शन दिखेगा, आपको इंटर प्रेस करना है बिफोर 5 डॉट। अब यहाँ पे आपकी विंडोज जो है वो लोडिंग फाइल्स ले रहा है, थोड़ा सा समय लेता है यहाँ पर। उसके बाद कुछ इस तरह आपको स्क्रीन जो होगी वो डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी रहेगा विंडोज 7, 8, 10। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने उदाहरण विंडोज 7 का रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो भी रहेगा विंडोज 7, 8, 10, मैंने 7 का उदाहरण लिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए आपके सामने लिखा है इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड R2, ऐसे करके उसके बाद इस पर क्लिक करना है। फिर ये जो भी विंडोज में भी ढेर सारे वर्जन होते हैं विंडोज। अब यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा विंडोज 7 स्टार्टर, होम बेसिक, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, अल्टीमेट, कई ऑप्शन दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको x86 और x64 ये भी दिख रहा है आपको ऑप्शन। अब यहाँ पे आप कौन सा बिट यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी विंडोज या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो 32 बिट में आते हैं और 64 बिट में आते हैं। तो जो X30 है वो 32 बिट कहलाएगा और जो X64 है वो 64 बिट कहलाएगा। एकदम साफ समझ में आ रहा है। अब हम क्या काम करते हैं, तो हम यहाँ पे अल्टीमेट को इंस्टॉल करेंगे 32 बिट। तो ये हमारा है विंडोज 7 अल्टीमेट और X86 सेलेक्ट किया, मतलब 32 बिट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है आई एग्री टू इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड, इस पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अगर यही आपका विंडोज 7, 8 या 10 करना होता तो अपग्रेड करते। हमें अपग्रेड नहीं करना है, इंस्टॉल करना है, मतलब इंस्टॉल ही करना होता है। अगर इससे हायर वर्जन करेंगे तब यहाँ पे अपग्रेड करेंगे, नहीं तो हम कस्टम पर आ जाएंगे, कस्टम एडवांस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितने भी ड्राइव आपके विंडोज में बने हुए हैं, 2 ड्राइव 3 ड्राइव, उस प्रकार से आपको दिखेगा। अब मेरे में जो इस लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ड्राइव यूज किया गया है वो ये यूज किया गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ड्राइव ऑप्शन दिख रहा है एडवांस मोड में, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम कर देंगे, डिलीट करेंगे और यस कर देंगे। उसके बाद ये 100 MB एक ऑटोमेटिक बन जाता है, इस पर इसको भी डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और 50 GB को आप MB में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 50 × 1024 करेंगे तो आपको 51,200 MB दिखेगा। उसके बाद हम इस पर अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये हमारा काम हो गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 5 फाइलें होती हैं, कभी कभी
इसके बाद आपका विंडोज जो है वो एक्टिवेटेड होगा फर्स्ट, क्योंकि 2 से 3 बार कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट होता है, इस थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके बाद यहाँ पे आपका कंप्यूटर नाम पूछेगा, आप कंप्यूटर का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो मैं कुछ भी ऐसे दे देता हूँ, ABCD। नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, अगर आप अभी पासवर्ड देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाएं, तो फर्स्ट भी रहने दीजिए, बाद में आप पासवर्ड दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आस्क मी लेटर पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो अपडेट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आस्क मी लेटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जिस भी आप टेरिटरी में रहते हैं, जैसे इंडिया में दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता टाइम जोन है उस प्रकार से, क्योंकि इसमें बाई डिफ़ॉल्ट कनाडा का लिया हुआ है US का, तो हम इसको दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता का ले लेते हैं, इसको ले लेंगे। लेने के बाद नेक्स्ट कर देंगे, ये भी फिर एक बार टाइम लगा थोड़ा सा एक्टिवेट होने में और सेटअप को पूरा करने में। पहली बार किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऐसे ही वेलकम स्क्रीन लिख कर आ जाएगा, और आपकी स्क्रीन पे पहली बार केवल और केवल एक आइकन आता है और रिसाइकल बिन का होता है। अब आप क्या करें, अब आप चाहें तो जो भी चीज़ चाहें वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम वॉलपेपर चेंज कर लेते हैं इसका, यहाँ से थीम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे सब कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा रिजोल्यूशन पे आते हैं और रिजोल्यूशन को सेट कर लेते हैं। अभी आपके आइकन नहीं दिख रहे हैं तो आइकन भी ला लेते हैं, जो जो आपको चाहिए यहाँ से वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे, आपके सामने आपका स्क्रीन ओपन हो गया। और ये रहा पूरा फॉर्मेट करने का प्रोसेस।